जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों, ये भारतीय सेना के पहले ऐसे ऑफिसर हैं जिन्होंने फिजिकली डिसेबल्ड होने के बावजूद इंडियन आर्मी के बटालियन एंड ब्रिगेड को कमांड दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने एक पैर ना होने के बावजूद इंडियन आर्मी में मेजर जनरल के रैंक तक पहुँचने वाले इयान कार्डोजो के बारे में। समय है 7 अगस्त 1937। भारत माँ के गोद में एक ऐसा बच्चा जन्म लेता है जो अपने वीरता की कथाओं से इतिहास बनाने के लिए आया है। उस दिन ब्रिटिश शासनकाल के बॉम्बे में जन्म हुआ इयान कार्डोजो का। सेंट जेवियर्स स्कूल से उन्होंने अपना स्कूलिंग कंप्लीट की और 1954 में महज 18 साल की उम्र में इस देश के सेवा के लिए उन्होंने एनडीए ज्वाइन कर लिया। उसके बाद आईएमए के पासिंग आउट परेड में वो भारतीय सेना के पहले ऐसे कैडेट थे जिन्हें एनडीए की तरफ से सिल्वर और गोल्ड दोनों ही मेडल से सम्मानित किया गया। इयान कार्डोजो 1954 में 5 गोरखा राइफल में कमीशन होते हैं। ये एक ऐसा शख्स है जो 1965 इंडो पाकिस्तान एंड 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन उनकी वीरता की कथाएं शुरू होती है 1971 से। 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ चुका है और इयान कार्डोजो उस वक्त पर गोरखा राइफल के मेजर हुआ करते थे। 71 के वॉर के दौरान सिलत नाम के जगह पर इयान कार्डोजो और उनके बटालियन को भेजा गया, लेकिन वहां पर मेजर इयान कार्डोजो के साथ में एक हादसा हो जाता है। एक लैंडमाइन बारूदी सुरंग फटने की वजह से उनका एक पाव फट जाता है और इतने बड़े दुर्घटना होने के बाद वहां पर कोई मेडिकल इमरजेंसी फैसिलिटीज भी नहीं थी। बटालियन में एक जूनियर डॉक्टर भी था। मेजर कार्डोजो ने उनसे कहा कि मेरा पैर काट दो, लेकिन जूनियर डॉक्टर उनके पैर जब काट नहीं पाए तब मेजर इयान कार्डोजो अपनी खुखरी उठाकर अपने पाँव अपने हाथ से काट डाला। बाद में मेडिकल ट्रीटमेंट में उन्हें लकड़ी का पाँव लगाया गया। तब आर्मी के सीनियर ऑफिसर ने इयान कार्डोजो को बुलाया और कहा कि अब आपको प्रमोट नहीं किया जा सकता क्योंकि अब आप डिसेबल हो चुके हैं, अब आपका एक पाँव नहीं है, लेकिन आपको सम्मान पूर्वक आर्मी से रिटायरमेंट दिया जाता है। लेकिन इस देश के लिए लड़ने मरने और मारने का जो जज्बा इयान कार्डोजो के अंदर था वो कहाँ रुकने वाले थे। लकड़ी का पैर लेकर के वो अपने फिटनेस को बिल्ड करने में लग गए। एक लकड़ी का पाव लेकर के इंडियन आर्मी की पूरी ट्रेनिंग उन्होंने कंप्लीट की। फिजिकल एंड मेंटल ट्रेनिंग के बाद फिर लौट कर आए और उस वक्त पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल तपेश्वर नारायण रायना साहब को कहते हैं कि सर, आपके फौज में जिनका दो पैर है उनसे मेरा रेस लगवा दीजिए, मैं उसको रेस में हरा दूंगा। और वही हुआ। एक लकड़ी का पैर लेकर के वो इतना तेज भागे कि जिनका दोनों पैर और मेडिकली फिट सोल्जर को वो पीछे छोड़ दिए। लेकिन भारतीय सेना में कैसे एक डिसेबल सोल्जर को रखा जाए, जनरल टीएन रायना सोच में पड़ गए। बहुत सोच विचार के बाद जनरल टीएन साहब ने एक ऐसा मुश्किल टास्क इयान के सामने रख दिया जो एक डिसेबल पर्सन के लिए कर पाना लगभग नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि इयान कार्डोजो, अगर तुम इंडियन आर्मी का हिस्सा रहना चाहते हो तो लद्दाख के बर्फीली पहाड़ियों पर चढ़कर दिखाओ, और अगर नहीं चढ़ पाए तो दोबारा यहाँ लौट कर मत आना। सामने चुनौतियाँ थी, लेकिन इयान कार्डोजो भारतीय सेना के वो वीर सिपाही हैं जो किसी भी चुनौती से न डरा था न डरेगा। इयान कार्डोजो एक लकड़ी का पाव लेकर के लद्दाख की खड़ी बर्फीली पहाड़ियों पर चढ़कर दिखाया। जनरल टीएन रायना शॉक में रह गए और वादों के मुताबिक उन्हें इंडियन आर्मी में प्रमोट किया गया। मेजर इयान कार्डोजो इंडियन आर्मी के एकमात्र ऐसा सैनिक है जो डिसेबल होने के बावजूद मेजर जनरल रैंक तक पहुंचे। मेजर जनरल इयान कार्डोजो को सेना मेडल, रक्षा मेडल, संग्राम मेडल, सैन्य सेवा मेडल, समर मेडल जैसे गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारतीय सेना ने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया है जिनके साहस, विजय और बलिदान की कथाएं इस देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। एन डिफेंस के होस्ट अभिजीत की तरफ से मेजर जनरल इयान कार्डोजो को शतकोटि प्रणाम। अगर आपको मेजर जनरल इयान कार्डोजो का स्टोरी पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि उनको भी पता होना चाहिए इस वीर सपूत की कहानी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।